स्पोकन इंग्लिश लेसन्स में आपका स्वागत है। न्यू बुक्स, नई किताबें, लर्निंग पॉइंट प्लूरल्स, सीखने का मुद्दा बहुवचन। सबसे पहले हम देखेंगे किसने किसको क्या कहा। अनिल सेज, पापा दिस आर माई न्यू बुक्स। अनिल ने कहा, पापा यह मेरी नई किताबें हैं। नरेश सेज, ओह दिस इज योर इंग्लिश बुक, इट इज फुल ऑफ पिक्चर्स। नरेश ने कहा, ओह यह तुम्हारी अंग्रेजी की पुस्तक है, वह चित्रों से भरपूर है। अनिल सेज, आई लव पिक्चर्स। अनिल ने कहा, मुझे चित्र बहुत ही अच्छे लगते हैं। नरेश सेज, वेयर इज द बुक ऑन सोशल स्टडीज। नरेश ने पूछा, समाज शास्त्र की पुस्तक कहाँ है। अनिल सेज, दिस इज द वन ऑन सोशल स्टडीज, इट हैज थ्री सेक्शंस, वन ऑन हिस्ट्री, वन ऑन जियोग्राफी एंड वन ऑन सिविक्स। व्हाट इज सिविक्स पापा। अनिल ने कहा, समाज शास्त्र की किताब यह रही, इसके तीन भाग है, इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र। पापा, नागरिक शास्त्र यानी क्या। नरेश सेज, इट इज ऑल अबाउट बीइंग गुड सिटीजन्स। नरेश ने कहा, वह अच्छे नागरिक कैसे होना उसके बारे में है। अनिल सेज, दिस इज माई बुक ऑफ साइंस, लुक एट द फिगर्स, द बुक इज फुल ऑफ फिगर्स। अनिल ने कहा, यह मेरी विज्ञान की किताब है, आकृतियाँ तो देखो, पुस्तक आकृतियों से भर पड़ी है। नरेश सेज, वेयर इज योर कंपास बॉक्स। नरेश ने पूछा, तुम्हारा कंपास बॉक्स कहाँ है। अनिल सेज, हियर इट इज। अनिल ने कहा, यह रहा। नरेश सेज, ओपन इट। नरेश ने कहा, वह खोल। अनिल सेज, व्हाट इज दिस। अनिल ने पूछा, यह क्या है। नरेश सेज, इट्स अ पेयर ऑफ कंपास। नरेश ने कहा, यह वर्तुल गोलाकार है। अनिल सेज, व्हाट डू विद देम। अनिल ने पूछा, इसे हम क्या कर सकते हैं? नरेश सेज, यू इंसर्ट अ पेंसिल एंड देन ड्रॉ अ सर्कल। नरेश ने कहा, छेद में पेंसिल डालिए और गोलाकार बनाओ। अनिल सेज, दिस इज अ स्मॉल फुट रूल। अनिल ने कहा, यह एक छोटी फुटफट्टी है। नरेश सेज, यस वी कैन ड्रॉ फिगर विथ इट। नरेश ने कहा, हाँ उससे हम आकृति बना सकते हैं। मंदाकिनी सेज, अनिल हियर इज रमेश। मंदाकिनी ने आवाज लगाते हुए कहा, अनिल रमेश यहाँ है। अनिल सेज, मम्मा आई एम कमिंग। पापा, रमेश इज कॉलिंग मी, आई एम गोइंग। अनिल ने कहा, मम्मा मैं आता हूँ। पापा, रमेश मुझे बुला रहा है, मैं जाता हूँ। नरेश सेज, वेरी वेल। नरेश ने कहा, अच्छा जा। इतना समझ लिया जाए। पहला, पापा दिस आर माई न्यू बुक्स। इस वाक्य में न्यू का मतलब है नया, उसका विरोधी शब्द है ओल्ड। ओल्ड यानी पुराना, बुक्स यानी किताबें। याद रखिए दोस्तों, अंग्रेजी में नाम का बहुवचन करने के लिए एस या फिर ईएस प्रत्यय लगाया जाता है। पापा यानी पिता, पिता को संबोधित करने का शब्द। टी एच ई एस ई, दिस यानी यह, बहुवचन के लिए। इसका एक वचन होगा टी एच आई एस, दिस, और उसका उच्चार है दिस। ऐसे अलग उच्चार से एक वचन और बहुवचन की भिन्नता को दर्शाया जा सकता है।
दूसरा ओह दिस इज योर इंग्लिश बुक इट इज फुल ऑफ पिक्चर्स इस वाक्य में इट इज फुल ऑफ पिक्चर्स यानी वह चित्रों से भरपूर है FULL फुल यानी भरा हुआ याद रखिए दोस्तों इसके बाद हमेशा OF ऑफ लगाया जाता है तीसरा आई लव पिक्चर्स इस वाक्य में आई लव यानी मुझे बहुत अच्छा लगता है लव यानी प्रेम या प्रेम करना वह नाम या क्रियापद के रूप में उपयोग किया जाता है चलिए दोस्तों कुछ उदाहरण देखते हैं द मदर लव्स हर चिल्ड्रन यानी माँ उनके बच्चों को चाहती है इट इज अ लव स्टोरी वह प्रेम के बारे में बात है लव का विशेषण है लविंग यानी प्रेमालु या फिर स्नेही जैसे कि अनिल इज अ लविंग चाइल्ड अनिल प्रेमालु लड़का है या फिर अनिल स्नेही लड़का है चौथा वेयर्स द बुक ऑन सोशल स्टडीज इसका मतलब है समाज शास्त्र पर का पुस्तक कहाँ है ऑन यानी ऊपर उसका दूसरा अर्थ है के बारे में सोशल यानी समाज के बारे में जिसे हम कह सकते हैं सामाजिक समाज के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है सोसाइटी सोसाइटी यानी समाज उस पर से बना विशेषण सोशल स्टडीज स्टडी शब्द का बहुवचन रूप है चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं व्हाट डू यू स्टडी तुम किसका अभ्यास करते हो अशोक इज गुड एट स्टडीज अशोक अपनी पढ़ाई में अच्छा है या फिर अशोक अपनी पढ़ाई में काबिल है याद रखिए दोस्तों जब इस संदर्भ में बात की गई हो तब गुड के तुरंत बाद एट लगाया जाता है पांचवा दिस इज द वन ऑन सोशल स्टडीज इट हैज थ्री सेक्शंस वन ऑन हिस्ट्री वन ऑन जियोग्राफी एंड वन ऑन सिविक्स व्हाट इज सिविक्स पापा इस वाक्य में ONE पुस्तक के लिए इस्तेमाल किया गया है याद रखिए दोस्तों जब एक का एक शब्द दूसरी बार आता है तब इसके लिए वन शब्द का उपयोग किया जाता है चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं दिस बुक इज ओल्ड दैट वन इज न्यू इसका मतलब है यह किताब पुरानी है वह नई है दिस हाउस इज बिग दैट वन इज स्मॉल यानी यह घर बड़ा है वह छोटा है दिस मैन इज फैट That one is thin. यह इंसान मोटा है वह पतला है It has three sections. Sections यानी खंड या फिर विभाग उसके तीन खंड है One on history. एक खंड इतिहास पर है One on geography. एक खंड भूगोल पर है वन ऑन सिविक्स एक खंड नागरिक शास्त्र पर है छह इट इज ऑल अबाउट बीइंग गुड सिटीजन्स इस वाक्य में ऑल यानी सब चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं वी आर ऑल हियर हम सब यहाँ है ऑल चिल्ड्रेन गो टू स्कूल सभी बच्चे स्कूल जाते हैं ऑल माई फ्रेंड्स आर देयर
मेरे सभी दोस्त वहाँ हैं। अबाउट यानी के बारे में, इसका दूसरा अर्थ है लगभग। अबाउट बीइंग यानी होने के बारे में। दोस्तों, टू बी यानी होना, इसके बारे में हमने आगे सीखा है। इसको आईएनजी प्रत्यय लगाया गया है। सिटीजन यानी नागरिक, उस पर से बना शब्द सिटी। सिटी यानी नगर, यह शब्द देश के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के लिए, वी आर सिटीजन ऑफ इंडिया, हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं। यह शब्द राज्य या शहर के लिए भी उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, सिटीजन ऑफ गुजरात स्टेट, सिटीजन ऑफ महाराष्ट्र, सिटीजन ऑफ बॉम्बे, सिटीजन ऑफ वडोदरा इत्यादि। इट इज ऑल अबाउट बीइंग गुड सिटीजन्स। इस वाक्य का मतलब होगा अच्छे नागरिक होने के बारे में है। सातवां, दिस इज माई बुक ऑन साइंस, लुक एट द फिगर्स, द बुक इज फुल ऑफ फिगर्स। साइंस यानी विज्ञान, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र और जीव विद्या इत्यादि का उसमें समावेश होता है। लुक इन द फिगर यानी आकृतियां देखो। टू लुक एट यानी देखना, जैसे कि लुक एट दिस पिक्चर, यह चित्र देखो। लुक एट द सन, सूर्य देखो। लुक एट द चिल्ड्रन कमिंग आउट ऑफ द स्कूल, यानी विद्यालय में से बाहर आने वाले बच्चों को देखो। फिगर यानी आकृति, उदाहरण के लिए भूमिति के प्रमेय सिद्ध करने के लिए आकृति, विज्ञान का प्रयोग समझने के लिए आकृति, हृदय के भाग दर्शाती आकृति इत्यादि। द बुक इज फुल ऑफ फिगर्स, इसका मतलब होगा किताब चित्रों से भरपूर है। आठवां, इट्स अ पेयर ऑफ कंपासेस, इस वाक्य में अ पेयर ऑफ कंपास यानी गोलाकार आकृति दूरने का साधन या फिर गोलाकार आकृति बनाने का साधन। पैर यानी जोड़ी, उदाहरण के लिए अ पेयर ऑफ सॉक्स, मोजे की जोड़ी। अ पेयर ऑफ आइस, आंख की जोड़ी यानी कि दो आंखें। अ पेयर ऑफ कुलॉक्स यानी बैल की जोड़ी इत्यादि। गोलाकार बनाने के साधन के दो पंखे होते हैं, इसलिए अगर एक ही साधन हो तो भी अंग्रेजी में उसे कंपासिस कहते हैं और उसके लिए बहुवचन का उपयोग होता है। इस शब्द की आप इसके साथ तुलना कीजिए। चश्मे के लिए उपयोग में आने वाला अंग्रेजी शब्द है ग्लासेस। पैंट या पतलून के लिए ट्राउजर्स, छोटे पतलून के लिए उपयोग होने वाला शब्द है शॉर्ट्स इत्यादि। नौ, व्हाट डू वी डू विद देम, इसका मतलब है इससे हम क्या कर सकते हैं। दसवां, इंसर्ट अ पेंसिल एंड देन ड्रॉ अ सर्कल, इंसर्ट यानी अंदर डालो, जैसे कि प्लीज इंसर्ट दिस एडवर्टाइजमेंट इन योर न्यूज़पेपर, इसका मतलब है तुम्हारे समाचार पत्र में मेरी खबर छापो। इंसर्ट का भाववाचक नाम है इंसर्शन यानी डालने की क्रिया, समाचार पत्र में समाचार छपने की क्रिया। उदाहरण के लिए, व्हाट इज द चार्ज फॉर टू इंसर्शंस, दो बार जाहिर खबर छापने के लिए कितना है। इंसर्ट अ पेंसिल यानी वर्तुल के इस छेद में पेंसिल डालो। टी एच ई एन देन यानी फिर, देन
नाव से विरुद्ध अर्थ वाला शब्द है। ड्रो यानी चित्र बनाना, ड्राइंग यानी चित्र काम या फिर आकृति दोरने का काम। जैसे कि वेयर इज माई ड्राइंग बुक, मेरी चित्र काम की किताब कहाँ है। सर्कल यानी वर्तुल या गोलाकार, इसका विशेषण होगा सर्कुलर यानी गोल। उदाहरण के लिए दिस गार्डन इज सर्कुलर, यह बगीचा गोल है। सर्कुलर का दूसरा अर्थ परिपत्र भी होता है। उदाहरण के लिए दिस इज अ सर्कुलर फ्रॉम द डिपार्टमेंट, यह कार्यालय की ओर से आया हुआ परिपत्र है। 11. दिस इज अ स्मॉल फूड रूल, स्मॉल यानी छोटा, छोटे कद के लिए यह शब्द का उपयोग होता है। उदाहरण के लिए स्मॉल पेंसिल, स्मॉल रूम, स्मॉल हाउस इत्यादि। स्मॉल का विरोधी शब्द है बिग अथवा लार्ज यानी बड़ा। फुट रूल यानी फुट पट्टी, उसे रूलर भी कहते हैं। 12. यस यू ड्रॉ फिगर्स विथ इट, इसका मतलब है इससे तुम आकृतियां बनाओ। 13. अनिल हियर्स रमेश, इस वाक्य में हियर्स हियर इसका संक्षिप्त रूप है। शाउटिंग यानी आवाज लगाते हुए। आगे हमने सीखा है अंग्रेजी में वर्तमान कृदंत बनाने के लिए क्रियापद को ing प्रत्यय लगाया जाता है। उदाहरण के लिए गोइंग, गोइंग यानी जा रहे हैं। कमिंग यानी आ रहे हैं। टेकिंग यानी ले रहे हैं और गिविंग यानी दे रहे हैं इत्यादि। हियर्स रमेश, हियर्स हियर इसका संक्षिप्त रूप है, इसलिए हम इस तरह से भी कह सकते हैं हियर इज रमेश, इसका मतलब है रमेश यहाँ है। हियर का विरोधी शब्द है देयर, देयर यानी वहाँ। 14. मम्मा आई एम कमिंग, पापा रमेश इज कॉलिंग मी, आई एम गोइंग। आई एम कमिंग, आई एम का संक्षिप्त रूप है, इसलिए इस वाक्य को हम इस तरह से भी कह सकते हैं आई एम कमिंग यानी मैं आता हूँ। रमेश इज कॉलिंग मी, रमेश मुझे बुला रहा है। कॉल यानी बुलाना, कॉल हिम यानी उसे बुलाने का कार्य या आवाज, इसे हम कॉल कहते हैं। जैसे कि दिस टेलीफोन कॉल इज फॉर यू, यह टेलीफोन तुम्हारे लिए है। आई एम गोइंग यानी मैं जा रहा हूँ। 15. वेरी वेल, इसका मतलब है अच्छा ठीक है। इस ट्यूटोरियल को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेसन में।